ऐसे बेटा प्लीज नेक्स्ट हॉरर गेम मेटल हॉरर गेम भाई मेटल स्किप करो ना रे पापा देसी बेटा प्लीज प्ले मेटल हॉरर गेम तो हेलो डीजन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं मेटल हॉरर गेम। तो अभी इस वाले गेम प्ले को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को तो पता ही है, अभी एक सारी तो बनती है, अर्ज किया है ग्रैनी ग्रैंडपा के बीच करके मैं चुगली करवा दूं बैटल। ग्रैनी ग्रैंडपा के बीच करके मैं चुगली करवा दूं बैटल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं एक और भूतिया गेम जिसका नाम है द हॉरर मेटल। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को शायरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो जल्दी से हम लोग गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस इस वाले गेम पे किडनैपर, जिसने हमें किडनैप करके रखा है, मतलब आपको और मुझे नहीं पता वो कितना खतरनाक होने वाला है। और अभी शायद से उसने मेरे को केज में लॉक करके रखा है। मुझे तो सबसे पहले इस वाले केज से बाहर निकलना होगा। इसको खोलने के लिए शायद से यहाँ पे कुछ पड़ा हो। एक सेकेंड, मेरे को भी लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा होगा। अभी मुझे यहाँ से लॉक पिक मिल गई है और फाइनली अभी हमारा केज भी ओपन हो चुका है। गाइस मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे करना क्या है पापा। तो यहाँ पे एक डोर है और एक नंपेड वाला लॉक लगा पड़ा है, जिसको एक्सेस करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मुझे नो इलेक्ट्रिसिटी का रीजन पता चल गया है गाइस। तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए मुझे इस ब्रोकन वायर को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को कोई आइटम चाहिए होगा रे पापा। तो यहाँ पे मेरे को एक लॉक बॉक्स मिल गया है गाइस। और अभी तो मेरे को काफी डर लग रहा है गाइस, कहीं वो पागल किडनैपर यहाँ पे ना आ जाए। और ये क्या, यहाँ पे एक पिकेक्स की ड्रॉइंग पड़ी है और शायद यहाँ पे एक रेंज पड़ा है। उठा ले रे बाबा उठा ले। अरे नहीं भाई, शायद हम लोग इसको नहीं ले सकते गाइस। फिलहाल के लिए मेरे को वायर को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। ओ भाई साहब, तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे एक हैमर मिल चुका है। वैसे मुझे नहीं पता गाइस ये हैमर अभी कहाँ पे काम आने वाला है। शायद इससे हम लोग विंडो का प्लैंक को हटा सके। वैसे भी ट्राई करने में क्या जाता, फटाफट से हम लोग हैमर को निकाल लेते हैं। और यार यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं हुआ गाइस, तो मेरे को अभी कुछ और ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी एक सेकंड, यहाँ पे एक पुराना सा कैलेंडर लगा पड़ा है, पासवर्ड शायद इसी में हो। ओ भाई साहब, ये तो सीधा निकल के मेरे हाथ पे आ गया। और ये क्या गाइस, यहाँ पे एक डंडा पड़ा हुआ है, शायद से मेरे को डंडे से किडनैपर को मारना पड़ेगा। बट इसको लेने के लिए भी मेरे को क्रोवर चाहिए। इसका मतलब कि मुझे अभी क्रोवर को भी ढूंढना पड़ेगा। वैसे मेरे को यहाँ कहीं क्रोवर दिख तो नहीं रहा है, मे बी हमें वो यहाँ से मिल जाए। यहाँ पे मुझे कुछ भी काम का नहीं दिख रहा। एक सेकंड, यहाँ पे भी एक बॉक्स है और इसके अंदर शायद से कुछ तो है अभी। तो फटाफट से हम लोग इस वाले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है, वैसे ऊपर का मेरे को कोई काम का नहीं लग रहा है। पर सबसे नीचे में मेरे को पासवर्ड मिल गया अभी गाइस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो हमारा पासवर्ड है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ। मेरे को ना अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा गाइस, आखिर मुझे पता कैसे चले कि नॉर्थ कौन है। सपोज कि मैं नॉर्थ इसको मान लेता हूँ, तो यानी कि हमारा नंबर 1, 3, 9 और 6। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, बट उससे पहले मेरे को नंपेड कॉन करने के लिए टेप चाहिए होगा। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि गाइस यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास है जिसके अंदर शायद से कुछ ना कुछ तो पड़ा है अभी। ओके, तो मेरे को यहाँ से की मिल गया और गाइस यहाँ पे काफी शोर हो गया और शायद से भी वो किडनैपर को पता चल गया और वो भी आता ही होगा। इस पर अभी मैं छिपू कहाँ भाई, ऊपर में कुछ लिखा आ रहा है। ओके, तो यानी कि मेरे को वापस से केज के अंदर जाना पड़ेगा। इससे पहले कि किडनैपर आ जाए, फटाफट से अंदर चलते ना रे पापा। वैसे अभी मैं गाइस काफी एक्साइटेड हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मेरे को देखना है किडनैपर कैसा दिखता है रे पापा। तो गाइस फिर हमारा किडनैपर आ चुका है। हाँ? रुको जरा, सबर करो यार, मेरे को तो काफी डर लग रहा है, कहीं इसको कुछ पता नहीं चल जाए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? अबे भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं, देख मैं केज के अंदर पड़ा हूँ। तुमने क्या सोचा मैं खुला हुआ बॉक्स को ध्यान नहीं दूंगा? रुको बेटा, अभी तुमको करंट लगाता हूँ। अरे अंकल प्लीज करंट में लगाना। बस हवा निकल गई। ओके, तो अभी हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया है। और अभी ना मेरे को ये गेम काफी अच्छे समझ आ गया, तो अभी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो फटाफट से इस लॉकपिक से हम लोग दोबारा से इस गेट को ओपन कर लेते हैं। और गेम के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक बॉक्स देखा था और फिलहाल मेरे पास एक चाबी है यहाँ पे। हो ना होगा चाबी इसी की होगी, मुझे अभी लग रही थी कि चाबी इसी की है। तो मेरे को ये वाला बॉक्स से काफी सारा आइटम मिल चुका है। और हाँ, ये वाला टेप मेरे को यहाँ पे लगाना था, तो अभी मे भी गए जिसको लगाने से हमारा नंबर शुरू हो जाए। तो अभी फटाफट से हम लोग इसमें पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। तो हमारा पासवर्ड था 16 या 69 था, मेरे को भी सही से याद नहीं आ रहा। तो एक बार हम लोग को वापिस से देख लेते हैं। तो 1 है हमारा नॉर्थ और 3 है वेस्ट और वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट, यानी कि 9 है ईस्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि हमारा पासवर्ड है गाइस 1 3
9 6। तो फटाफट से हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। ओ माई गॉड, तो हमारा पासवर्ड बिल्कुल राइट था गाइज। अभी मेरे को एलिवेटर नहीं डोर को ओपन करना है, और शायद से भी हमारा डोर ओपन नहीं हुआ है। तो गाइज पासवर्ड तो अभी मैंने बिल्कुल सही। ओ भाई साहब, तो इस पासवर्ड से यहाँ का डोर ओपन हुआ है। प्लीज यहाँ पे अभी कोई भी ना हो, और अभी शायद इस वाले लॉकर में हमें कुछ मिल जाए। इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें से मेरे को एक लीवर मिल चुका है, और मुझे नहीं पता किसी वाला लीवर अभी कहाँ पे लगेगा। आई थिंक यहाँ पे कमोड भी कुछ ना कुछ हो, क्योंकि ऐसे हॉरर गेम में ना गाइस कहीं पे भी आइटम हो सकता है। अरे पापा, तो अभी इस कमोड को खोलने के लिए मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, और यहाँ पे एक सिंक है जिसमें एसिड भरा पड़ा है, यानी कि मेरे को एसिड को ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने के लिए मेरे को इस वाले बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पे चेन से लॉक किया हुआ है, यानी कि मेरे को अभी बहुत सारा आइटम चाहिए। बट उससे पहले गाइस ये वाला लीवर को मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ। अगर ये वाला लीवर यहाँ पे लग गया ना, तो मेरे को रेंच आराम से मिल जाएगा। जल्दी से हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और मेरे को यहाँ से भी रेंच मिल गया गाइस। तो फटाफट से हम लोग इस वाले रूम पे वापस से चलते हैं, और यहाँ पे मैंने एक बोल्ट देखा था, फटाफट से हम लोग इसको हटा लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक और रास्ता ओपन हो चुका है, जो कि गाइस ईटे से ब्लॉक किया हुआ है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ये सब करना काफी आसान होगा गाइस। पता नहीं ये पागल किडनैपर अभी बाकी का सामान कहाँ पे छिपाया होगा। आई थिंक गाइस ऐसा सीक्रेट चेम्बर इस वाले रूम पे और भी हो सकता है। तो अभी ना गाइस मुझे इस वाले रूम को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी हो सकता है वो सीक्रेट चेम्बर यही अगल बगल पर हो, और हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। ओ भाई साहब, मुझे मिल गया, फटाफट इसको ओपन कर। अरे नहीं यार, यहाँ पे काफी शोर हो गया, और तो और वो पागल किडनैपर भी वापस से आ रहा है। अभी ना मुझे सब कुछ वैसा ही करना पड़े जैसे पहले था यार। तो पहले तो मैं इस वाले डोर को लॉक कर लेता हूँ। तो अभी हमारा डोर भी लॉक हो चुका है, और अभी इसको भी ऑफ कर देता हूँ। और अभी क्या रे पापा, फटाफट से हम लोग अपने केज के अंदर चलते ना गाइस। अभी शायद से मैंने कुछ गड़बड़ ना किया हो, और अभी तो वो किडनैपर आता ही होगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कुछ तो है। ओके, तो मैंने इसको लॉक नहीं किया था, अच्छा हुआ कि ये मेरे को टाइम पे याद आ गया रे पापा। अभी गाइस इसको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग केज के बाहर की साइड गए थे। रुको जरा, सबर करो। अबे यार फिर से वही डायलॉग बोल रहा है भाई साहब, कहीं इसको फिर से शक नहीं ना हो गया मेरे ऊपर। यहाँ पे वापस कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई अब क्या गड़बड़ है, मैंने तो सब कुछ वैसा ही कर दिया था। गॉड डैम, ये मेरा सिर्फ इमेजिनेशन है। थैंक गॉड भाई, मेरे को तो ये झूठ मूठ खाली प्लेट ने डरा दिया। हाँ भाई निकल निकल, लगता तेरा दिमाग ही खराब है। तो गाइस वो किडनैपर अभी वापस चला गया है। सबसे पहले हम लोग उस वाले गेट को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए मेरे को डोर पे क्लिक करना और ओपन करना है, एकदम सिंपल गाइस। इससे पहले कि वो किडनैपर वापस से आ जाए, हम लोग इस वाले चेन कटर से इस वाले चेन को कट कर लेते हैं। तो चेन अभी हट चुका है गाइस, और यहाँ से मुझे एक पिकेक्स का पार्ट मिल चुका है। और अभी ना ये सिंक पे ये जो एसिड जमा पड़ा है ना, इसको ना मुझे अभी ड्रेन करना पड़ेगा। अभी इस वाले व्हील को सिर्फ और सिर्फ नीचे करना है, और मुझे यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है। और मुझे मालूम गाइस ये वाला स्क्रू ड्राइवर हम लोग कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्क्रू ड्राइवर बाहर निकालते हैं, और फटाफट से यहाँ के सारे स्क्रू को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और इसके अंदर अभी कुछ तो पड़ा है गाइस। ओ भाई साहब, तो अभी मुझे क्रोवर भी मिल चुका है। तो अभी ना गाइस यहाँ पे एक पिकेक्स का ड्राइंग पड़ा है, और मुझे लगता है उस वाले वॉल को तोड़ने के लिए मेरे को पिकेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से हम लोग अपना पिकेक्स को जोड़ देते हैं। ओके गाइस, मेरे को अभी समझ में आया, ये कोई वेपन नहीं है, ये डंडा जो है ना गाइस वो पिकेक्स का पार्ट है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मुझे पिकेक्स लेने से पहले हम लोग को सारा कुछ वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये किडनैपर काफी साथी रहे गाइस, और वो किडनैपर के हमारा हर एक गलती को नोटिस कर सकता है। बात तो सही है। तो अभी फटाफट से हम लोग इस वाले पिकेक्स से इस वाले बॉल को हटा लेते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ पे वापिस से शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक डोर बोल्ट पड़ा हुआ है यार। अभी जो भी मिलेगा इसी को लेकर निकल लो यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ पे किडनैपर आता ही होगा। और मेरे को ना गाइस यहाँ पे जितने कुछ भी है वो जैसा था गाइस वैसा मेरे को वापिस से करना पड़ेगा। अच्छा, अभी किडनैपर को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग केज के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, वरना वो हम लोग को करंट लगा देगा रे बाबा। तो अभी हम लोग को बिल्कुल चुपचाप रहने का। चुपचाप रहने का भाई, 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 किडनैपर आ चुका है। मैनू जल टकला बना दे, देसी दारू नहीं पसंद, मैनू बिमल तो खिला दे। सैंसरी अंकल वापस जा रहे हैं। मौज कर दी बेटे, वाह बेटे वाह। रुको जरा, सबर करो। अरे यार ये फिर से यहाँ पे क्यों रुक गया भाई, अभी मैंने फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दिया। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। तो गड़बड़ है यहाँ पे, जितना कि मुझे अच्छे से याद है मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन अभी देखते क्या होता है। मेरा सिर्फ इमेजिनेशन है, हमका दिमाग भारी बा भूले का बीमारी। फिर जाके डॉक्टर से दिखाना, हमें क्यों बता रहा, ये बंदा क्या गुंडा बनेगा रे पापा। तो मुझे ना उस वाले प्लेस से एक डोर बोल्ट मिला था, तो इस वाले डोर बोल्ट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जिससे ना वो किडनैपर इस वाले रूम पे एंटर नहीं कर पाएगा। तो चलो गाइस, अभी मुझे लगता हम लोग बिल्कुल सेफ है। तो अभी एक बार फिर से हम लोग गेट को ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो गाइस, हमारा गेट अभी वापस से ओपन हो चुका है। तो फटाफट से हम लोग इस वाले एरिया पे चलेंगे। ओ यार मैं तो डर गया था, अभी मुझे भी लगा यहाँ पे किडनैपर है। तो अभी देखते हैं हमें एस्केप के लिए और क्या क्या चाहिए होगा। मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस।
ओके तो नीचे में एक एलिवेटर है। आई थिंक इस एलिवेटर को स्टार्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है शायद से अभी वो एलिवेटर इस वाले पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे जो कुछ भी पड़ा हम लोग उसको भी उठा लेते हैं यार, मेरे को तो अभी काफी डर लग रहा है। सो लेट्स गो गाइस, तो फटाफट से भी हम लोग एलिवेटर को चालू करते हैं। अरे बाबा तो यहाँ पे नो पावर शो हो रहा है, आई थिंक हम लोग को इसको भी ऑन करना पड़ेगा। चलो गाइस अभी देखते क्या होता है, अभी तो इसको चालू हो जाना चाहिए, इसको भी बस इनेबल करना है। फाइनली भी हमारा एलिवेटर चालू हो चुका है और यहाँ पे काफी शोर हो चुका है। वैसे मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, मैंने डोर पे डोर बोल्ट लगाया था, हो सकता है उससे भी किडनैपर अंकल अंदर ना आ पाए। यार मेरे को पक्का तो नहीं पता, हो सकता आ भी जाए क्योंकि अभी ना हम लोग कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते। और यार ये लिफ्ट भी कितनी स्लो है, मेरे को तो भी काफी डर लग रहा है गाइस, हो सकता है वो किडनैपर इसको तोड़ के अंदर आ जाए। इससे पहले गाइस वो किडनैपर यहाँ पे आ जाए मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। रे बाबा दरवाजे खोलो वरना मैं दरवाजे तोड़ दूंगा। अरे भाई ये तो दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहा है। अबे भाई फटाफट से जल्दी से ऊपर आ जा भाई, यार ये एलिवेटर कितना स्लो है। तो अभी कह रहे पापा निकल लो यहाँ से, निकल लो गाइस इससे पहले कि वो किडनैपर यहाँ पे आ जाए। और ये एलिवेटर अभी यहाँ पे लगाना है। ओके तो हमारा एलिवेटर अभी नीचे की साइड जा रही है। यार मेरे को तो और भी ज्यादा डर लगने लग गया है, अभी मुझे नहीं पता इस नीचे में अभी और क्या होने वाला है। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, मेरे से बच के भाग गया कि भाई तू कहीं नीचे की साइड ना आ जाए। तू तो गया आज, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। अबे भाई ये भी नीचे आ रहा है, इससे पहले कि ये नीचे आ जाए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। रे बाबा गाइस मुझे तो अभी काफी डर लग रहा है, बस इस वाले सीवर में क्रोकोडाइल वगैरह ना हो वरना वो मेरे हाथों से पिट जाएगा। रे बाबा सो फाइनली अभी हम लोग सीवर के अंदर आ चुके हैं। फिलहाल मेरे को किडनैपर तो नहीं यहाँ पर किसी का रोने की वजह रही है, तो फिलहाल तो ये वाला गेट लॉक है। मुझे लगता है शायद से इस वाला लॉक का की मुझे उस वाले रूम पे मिलेगा। यार एक बार चेक कर लो कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, वैसे मेरे पीछे तो कोई नहीं है। और मुझे लगता है शायद से हम लोग अभी बाहर की साइड आ चुके हैं। बाय बाय किडनैपर अंकल, सो बाय बाय डीएचएन फैमिली, फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना।